जय हिंद दोस्तों, मैं फिर आज भाई एक बार उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। तो आज की जो क्लास होने वाली है बहुत बेहतरीन क्लास रहेगी आप लोगों के बीच में। आज पढ़ेंगे गेटवे टू हेल क्या है, गेटवे टू हेल कहा क्या है। साथ ही हम बात करेंगे ई गवर्नेंस पुरस्कार किसे दिया गया, और भी बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम यहां पर शुरू करते हैं, गेटवे टू हेल। चलिए, आज कि जो क्लास है बहुत बेहतरीन रहने वाली है भाई। पीछे जो क्लासों में आप लोग थोड़ा सा प्रेम कम दिखा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है गेटवे टू हेल्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, आज का क्वेश्चन नंबर वन है आप लोगों का गेटवे टू हेल्थ। गेटवे टू हेल्थ क्या है या इसका संबंध किससे है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और अभी हाल ही में चर्चा के विषय रहा है दोस्तों ये गेटवे टू हेल्थ। ध्यान रखेंगे, बहुत बेहतरीन 2022 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसी पे बात करेंगे, गेटवे टू हेल्थ जो है आपका ये क्या है। सबसे पहले मैं बात करूं, देखिए ये गेटवे टू हेल्थ जो है आपका यहां पर तुर्कमेनिस्तान के अंदर क्या है, आग जल रही है एक गड्ढे के अंदर, एक क्रेटर उत्पन्न हुआ वहां पर आग जल रही है पिछले 50 सालों से आग निकल रही है। उसे बुझाने की काफी कोशिश की जा रही है लेकिन वो बुझाई नहीं गई है, वो बुझ नहीं रही है। उसके पीछे बहुत से रीजन है, उन पर भी हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये आग लगी कैसे, प्राकृतिक आपदा है या किस प्रकार की आपदा है। तो दोस्तों जान लेना, आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा उत्पन्न की गई आपदा है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा और कहां पर है और अब क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो गेटवे टू हेल क्या है ये आप लोगों को पता लग गया। यहां पर क्या हो रहा है ये आप लोगों को बता देता हूं, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है एक गड्ढा है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक गड्ढा है जिसके अंदर से लगातार आग जल रही है। कितने वर्षों से, लगभग 50 वर्षों से यहां पर आग जल रही है भाई। ये आग लगी कैसे, लगी कैसे इसके ऊपर बात करेंगे। और ये अभी चर्चा में क्यों हुआ, चर्चा में किस वजह से ये चर्चा में रहा जो पिछले 50 साल से इसके अंदर आग लग रही है, तो अभी चर्चा में क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति इन्होंने इस आग को बुझाने के लिए, राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके से आग को बुझाने के लिए आदेश दिए हैं, आग को बुझाने के आदेश दिए हैं। ये ध्यान रखेंगे, आग को बुझाने के आदेश दिए हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, क्या सर पिछले 50 साल से जब ये आग जल रही है गड्ढे के अंदर, बाहर आग आ रही है, तो क्या कभी इसे पहले बुझाने की कोशिश नहीं की गई है। लेकिन ये आग बुझ नहीं रही है, चर्चा में क्यों रहा ये आप लोगों को मैंने बता दिया, राष्ट्रपति साहब ने आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, तो ये हैं गुरु बांगुली जो राष्ट्रपति साहब हैं, इन्होंने पूरा नाम लिख लेंगे वे, गुरु बांगुली बड़ी मुखा मेदो साहब हैं जिन्होंने इस आग को बुझाने के लिए आदेश दिए हैं। कोई तरीका खोजो, अपने अधिकारियों को आदेश दें, इन्होंने कैसे भी करके इस गेटवे टू हेल जो जहां से एक गड्ढा है जहां से आग निकल रही है इस आग को बुझाने की यहां पर बात की जा रही है। गेटवे टू हेल है क्या, इसके ऊपर हम एक बार थोड़ी सी बात कर लें। गेटवे टू हेल एक बड़ा प्राकृतिक गैस का गड्ढा है भाई। किसका गड्ढा है, गैस का गड्ढा। आप समझ गए होंगे आग क्यों लग रही है इसके अंदर, आग बुझ क्यों नहीं रही है इसके अंदर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, गैस का गड्ढा है। चलिए भाई बात करें, यह प्राकृतिक घटना नहीं है, कैसी घटना है, मानवीय आपदा है। सर मानवीय आपदा कैसे है यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मानवीय आपदा की बात करें तो 1971 में देखिए किस प्रकार से आपदा, 1971 में सोवियत संघ यूएसएसएसआर के जो वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक साधारण गलत अनुमान लगाया था यहां पर, और उस गलत अनुमान के कारण काफी चीजें यहां पर, उन्होंने एक भूमिगत गुफा
उन्होंने ये पता लगाया कि भाई यहाँ पर गैस है, गैस के भंडार हैं, उन्होंने भूमिगत जो बोरिंग वाले जो इक्विपमेंट है उनकी उनकी मदद से और वहां पर एक गड्ढा किया और उसमें ड्रिलर जो बोरिंग के ड्रिलर थे वो उसके अंदर जा गिरे। जब उन्हें लगा कि मीथेन नाम की एक जहरीली गैस है वो वहां से लीक होनी प्रारंभ हुई, उस जहरीली गैस से आसपास के क्षेत्रों को बचाने के लिए उन्होंने यह आइडिया लगाया कि भाई जितनी गैस है आग लगा देते हैं इसके अंदर ये जल जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो पिछले 50 दशकों से वो जो अनुमान था कि थोड़ी गैस है लेकिन वहां पर वो बहुत ज्यादा मात्रा में गैस है जो कि बुझाई नहीं जा रही है। ध्यान रखेंगे इस क्रिएटर का निर्माण कैसे हुआ, वैज्ञानिकों द्वारा साधारण गलत अनुमान लगाने के कारण, गलत अनुमान के कारण ये आपदा आप लोगों की आई। कहां के यूएसएसआर के वैज्ञानिकों का गलत अनुमान था, ये अभी आप लोगों को बता दिया भाई, ठीक है ओके। गैस कौन सी निकल रही थी, मीथेन, जो क्रिएटर से हम कह सकते हैं गैस कौन सी है? गैस की अगर हम बात करते हैं मीथेन जो गैस थी जो जहरीली होती है भाई, जहरीली होती है, इससे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, आग लगाई। और गलत अनुमान क्या था कि यहाँ पर ये थोड़ी मात्रा में होगी और ये अनुमान उनका गलत साबित हुआ, ये बहुत भारी मात्रा में है। पिछले 50 वर्षों से ये लगातार भीषण आग इसके अंदर जल रही है भाई ओके। एक बार फिर बात करूं गेटवे टू जो हेल है अभी फिलहाल चर्चा में क्यों है, क्योंकि इनके राष्ट्रपति साहब ने बोला कोई भी तरीका खोजो, अपने अधिकारियों को आदेश दिया, जो भी आपके गुरु बांगुली साहब है बर्डी मुखमेदव जो है तुर्कमेनिस्तान के जो राष्ट्रपति, इन्होंने आदेश दिया कि कैसे भी करके इस गेटवे टू हेल को क्या करे, बंद करे। ये गड्ढा आपका कहां पर, तुर्कमेनिस्तान के अंदर है, पिछले 50 वर्षों से यहां पर आग जली हुई है। सोवियत संघ के जो वैज्ञानिक थे 1971 में इन्होंने यहां पर एक प्राकृतिक गैस का भंडार खोजा था और वहां पर उन्होंने ड्रिल करके नीचे नीचे भूमिगत एक कह सकते हो आप रास्ता बना करके या गुफा बना करके वहां से इसके बारे में जानकारी ली और ड्रिल मशीन ड्रिल जो इक्विपमेंट था इसमें जा गिरे, जिससे जहरीली जो गैस थी मीथेन वो वहां से लीक होना प्रारंभ हुई। उस जहरीली गैस को वहां तुर्कमेनिस्तान में उसके आसपास के क्षेत्रों को बचाने के लिए उन्होंने उसमें आग लगा दी ताकि कुछ समय बाद भाई ये जल करके खत्म हो जाएगा, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला, ये भारी मात्रा में वहां पर भंडार पाया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, गेटवे टू हेल ध्यान रखेंगे, संबंध कहां से है, चर्चा में क्यों है और बना क्यों था ये क्रिएटर, और जो आपके पर्यटक है उन्हें पता है यह मानवीय आपदा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गेटवे टू हेल किस प्रकार की आपदा है, मानवीय आपदा है या प्राकृतिक आपदा, तो यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, फिर भी पर्यटक वहां पर बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए जाते हैं, लगातार जल रही है भाई आप लोगों के बीच में, ये क्वेश्चन हो चुका है। मैं इसको रफ करूंगा फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ पर ई गवर्नेंस की बात करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने 6 एयरबैग वाली गाड़ियां कंपलसरी कर दी हैं, साथ ही बात करेंगे किस स्टेट के अंदर पहले इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है, साथ ही बात करेंगे हम यहां पर कि देश के अंदर एक साल में कितने एक्सीडेंटल केस हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस क्लास के अंदर बने रहेंगे, इस क्लास में क्लास को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। चलते भाई मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, क्वेश्चन है ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अगला जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन में आपका ई गवर्नेंस की यहां पर बात कर रहा है, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की यहां पर बात कर रहा है, किसे प्रदान किया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे भाई क्लास। देखिए मैं फिर बात कर रहा हूं आप लोगों से, क्लास को स्किप नहीं करेंगे, बस आप चाहे स्टार्ट ही ना करें देखना कोई जरूरी नहीं है, बट क्लास देखते हो तो पूरी देखना, क्योंकि कल को क्लास के ऊपर ब्लेम ना हो, भाई हमने ये क्लास देखी थी यहां पर सर ने उन दिनों में ये नहीं करवाया। चलिए भाई बात करते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, ई गवर्नेंस पुरस्कार, ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, चलिए भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
किसे प्रदान किया? सबसे पहले तो इसका आंसर दूंगा, आप लोगों को बता देता हूं, ई गवर्नेंस का मतलब यह है कि प्रशासन में आईटी का यूज, प्रशासन में आईटी का यूज जो है वो करने पर यह पुरस्कार दिया गया है। इसे दिया गया, अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो नागालैंड में, नागालैंड को दिया गया। किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया। नागालैंड के किस डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नागालैंड की अगर मैं बात करूं, मोन जिला, कौन सा जिला है? मोन जिला भाई, मोन डिस्ट्रिक्ट है, मोन डिस्ट्रिक्ट को ये दिया गया है नागालैंड के को। और कौन से राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया है? तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि 2022 का ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये कौन से? तो 24वें राष्ट्रीय पुरस्कार भी, कौन से पुरस्कार में? 24वें राष्ट्रीय पुरस्कार के अंदर ये दिया गया है। और ये 24वां राष्ट्रीय जो पुरस्कार कहां पर वितरित हुए? हैदराबाद में भाई, हैदराबाद के अंदर ये क्या हुए आप लोगों के? हैदराबाद में ये सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कारों का सम्मेलन कहां पर हुआ? हैदराबाद में। ओके, किसके द्वारा दिए गए हैं? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, किसके द्वारा? तो जो आपके MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री है, केंद्रीय है, केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री साहब है। कौन है केंद्रीय राज्य मंत्री साहब? जितेंद्र सिंह ने, जितेंद्र, कल भी बात हो रही थी भाई इनकी, जितेंद्र सिंह ने यह पुरस्कार दिया है। किसने दिया है? जितेंद्र सिंह ने पुरस्कार दिया है। किसको दिया? तो जो वहां के डीसी है, उपायुक्त है, थाउस सेलन, उपायुक्त, उपायुक्त जो साहब है ये है थाव सेलन। किसको दिया भाई? थाव सेलन के को यह पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए सबसे पहले बात करी मैंने किसकी? ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करी, क्यों दिया जाता है? सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को कि प्रशासन में आईटी का यूज करना, बेहतर यूज करना, COVID-19 के चलते हुए उन लोगों की भावनाओं को समझना, उन कठिनाइयों को समझना, उन्हें दूर करना और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करना, और इस सब के लिए किसका यूज करना? आईटी का यूज करना कह सकते हो। नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, 24वें राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन में दिया गया है। कहां पर हुआ यह? हैदराबाद में हुआ। किसने दिया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री जो आपके हैं, कौन है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह उपया किसको दिया है? जो वहां के जो डीसी हैं, उपायुक्त हैं, थाव सेलन के को ये पुरस्कार प्रदान किया है। देखिए भाई थोड़ा सा फास्ट रहते हैं हम, थोड़ा सा फास्ट इसलिए रहते हैं कि आपकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को दिया जाए। आप अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, यूट्यूब पे आराम से भी उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए भाई उद्देश्य की बात करें, अब यहां पर इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो देखिए COVID-19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग, देखिए उद्देश्य की बात करें राष्ट्रीय पुरस्कार COVID-19 के प्रबंधन में, किसमें भाई? COVID-19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग COVID-19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग किस श्रेणी 6 के तहत प्रस्तुत किया गया है? पहले तो ये लिख लेंगे COVID-19 के प्रबंधन में ICT का प्रयोग श्रेणी सिक्स के तहत, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, प्रस्तुत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जिला प्रशासन द्वारा की गई पहलों को सम्मानित करना, उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा की गई पहलों को सम्मानित करना भाई, सम्मानित करना। क्या क्या रहेगा इसका? जिला प्रशासन द्वारा जो भी COVID-19 के चलते जो पहल की गई हैं, लोगों को इजी जिंदगी जीने के लिए, जो भी सुख सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जो पहल की गई हैं, उनकी यहां पर बात कर रहा है भाई, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ओके, पुरस्कार के चयन की बात करें तो COVID-19 में चयन की अगर हम बात करते हैं, एक और यहां इससे संबंधित है, COVID-19 उपयुक्त व्यवहार की यहां पर ये बात करता है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर सी ए बी की यहां पर बात कर रहा है।
को लागू करने के लिए और जनता को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू करना और जनता को होने वाली कठिनाई जो कोविड 19 की वजह से जनता को होने वाली कठिनाइयों को क्या करना भाई, कठिनाइयों को कम करना, कुल मिला के जनता को कोविड 19 से होने वाले जो कष्ट हैं उनमें प्रशासन की तरफ से जो कमी की जाती है उसके लिए आपका ये पुरस्कार, इससे संबंधित आपका ये पुरस्कार है। आप ये भी समझ सकते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस से कह सकते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन और उसमें इसको प्रस्तुत किया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की अगर हम बात करते हैं, घोषणा कब की गई भाई, तो घोषणा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यह है दिसंबर 2021 में इसकी क्या की गई, घोषणा की गई है। और इसमें जो इनाम है वो 1 लाख रुपए इसके अंदर क्या रखा गया, इनाम रखा गया। प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रमाण पत्र, ट्रॉफी ये इसमें दी जाएंगी भाई। देखिए भाई, हमने यहां पर बात करी राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार की, तो ये नागालैंड के मोन जिले को दिया गया है, उनके जो अपने उपायुक्त हैं थाउसन लेन को, के को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, जो एमओएस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री है आपके कौन है, जितेंद्र सिंह। काफी बार पूछ लिया गया है जितेंद्र सिंह कौन सा मंत्रालय हैंडल कर रहे हैं या कौन से राज्य मंत्री हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए भाई, 24 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मेलन में कहां पर हुआ है, हैदराबाद के अंदर हुआ है। इसकी घोषणा कब की गई थी, दिसंबर 2021 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। पुरस्कार क्या रहेगा, 1 लाख रुपए रहेगा और इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कोविड 19 के चलते हुए लोगों के लिए अप्रोप्रिएट व्यवहार करना, या ये कहें कि जो कोविड 19 के चलते लोगों की जो कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है उन कठिनाइयों में कमी करना, उसके लिए ये पुरस्कार आप लोगों का दिया गया है। दिया कहां गया है ये आप लोगों को पता लग चुका है। चलिए भाई एक बार रफ कर रहा हूं, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, पढ़ते रहेंगे 2022 में आने वाली चीजें, जो भी एग्जाम आपके होने वाले हैं उनके ऊपर यहां पर बात हो रही है। चलिए भाई, ये बहुत से क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आप लोगों को जो आपको पेपरों में मिलने की संभावना, प्रबल संभावना बनी हुई है। चलिए दोस्तों, ये नहीं सोचना कि ऐसा ही समय चलता रहेगा, कोविड 19 के चलते कोई पेपर नहीं हुआ या इस टाइप की कोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल होने, आशावादी होना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में भाई, ध्यान रखना। अगर आशा नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। जिस दिन सीखना बंद कर दोगे उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, अब हल्की सी 2 मिनट एक बार बात कर लेते हैं, किसके ऊपर बात कर लेते हैं, नागालैंड के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता नागालैंड की बात करें तो सबसे पहले तो ये क्या है, नागालैंड की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी क्या है इसकी, कोहिमा। उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का, कौन सा राज्य है ये, उत्तर पूर्वी राज्य है भाई, ये आप लोगों को पता है उत्तर पूर्वी राज्य है। स्थापना की अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1 दिसंबर 1963 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। यहां पर क्वेश्चन ये है आप लोगों का, देखिए ये स्थापित होने वाला भारत का कौन सा राज्य था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय भारत में कितने राज्य थे, ये कौन सा राज्य था, कौन से नंबर का राज्य बना था नागालैंड आपका 1963 के। हम यहां पर स्थापना की बात कर रहे हैं तो राज्य की मैं बात कर रहा हूं, राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया, या ये राज्य के रूप में स्थापित होने वाला भारत का कौन सा राज्य था, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं नागालैंड का सबसे बड़ा शहर, राजधानी की बात करी उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात करें तो ये जो शहर है सबसे बड़ा आप लोगों का, यह कौन सा रहेगा भाई आपका शहर, तो दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है, कौन सा है, दीमापुर। देखिए ध्यान रखेंगे कौन सा, दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। राज्यपाल कौन है वर्तमान में, राज्यपाल की बात करें तो जगदीश, कौन है भाई, जगदीश मुखी साहब क्या है, राज्यपाल है। सीएम साहब की अगर हम बात करते हैं तो सीएम है नेफ्यू रिया के आपके सीएम साहब हैं। साथ ही यहाँ की भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा कौन सी भाई, अंग्रेजी, कौन सी भाषा है, अंग्रेजी। साथ ही हम बात करें विधानमंडल,
विधानमंडल कितने कितने सदनीय है? तो आपका एक सदनीय है, एक सदनीय विधानमंडल है। मतलब ये विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 सीटें हैं विधानसभा की। किसकी सीटें भैया? विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या एक है, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? एक है। देखिए फिर बात करें, हमने इसके थोड़ी सी सिचुएशन की बात करी, जो राज्यपाल साहब हैं, राज्यपाल राज्यपाल जगदीश मुखी, यहां पे बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सीधा सा पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि भारत में एक्ट नंबर 153 क्या बोलता है? एक्ट नंबर 153 ये बोलता है कि भारत में राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा चाहिए कि एक्ट नंबर 152 क्या डिफाइन करता है? इसका जवाब चाहिए भाई। चलिए विधानमंडल की बात करी, एक सदनीय सभाओं की सीटों की बात करी, 60 सीट है, राज्यसभा की एक है, लोकसभा की एक है, मेफ्यूरिया साहब क्या है? सीएम साहब है। भाषा की बात करी, अपने अंग्रेजी है, जगदीश मुखी साहब क्या है? इसके राज्यपाल हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करें। इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाल के लिखेंगे इसको भाई। देखिए हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नागालैंड के अंदर कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, 16 जनजातियां। कितनी जनजातियां पाई जाती हैं? 16। अरे वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। 16 जनजातियां कौन कौन सी हैं? एक ही बार रोक काट दो, इसके बाद दोबारा नागालैंड की जनजातियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर चले ध्यान से लिखेंगे भाई आप लोग, जनजातियों की बात करें, आगामी है आओ है, आगामी नंबर दो आओ, आओ आओ जनजाति, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आज ही नोट कर लेना, चकसेंग चखेसांग। चौथी जो है आपकी क्या है? चांग, चांग जनजाति। फिर आपकी दिमासा, कौन सी है भाई? दिमासा। और फिर क्या आपकी छठी है? कचारी, कचारी कौन सी है भाई? कचारी। और फिर क्या आपकी? खियम निंगाल, खियम निंगाल भाई कौन सी है? खियम निंगाल। उसके बाद कौन सी आपकी? आठवीं है कौन याक। नौवीं जो जनजाति रहेगी लोथा, लोथा कौन सी रहने वाली भाई आपकी? लोथा। और दसवीं जनजाति की अगर हम यहां पर बात करते तो फॉर्म, फॉर्म है। और ग्यारहवीं जो जनजाति आप लोगों की पाई जाती है पोचूरी। बारहवीं भाई आपकी रेगमा, रेगमा। और तेरहवीं जो जनजाति आपकी संगतम, संगतम भाई। और चौदहवीं जो जनजाति आपकी सुमी। पंद्रहवीं जो जनजाति आपकी इंचुगेरी, कौन सी भाई? इंचुगेरी। और सोलहवीं आपकी कुकी और जेलियांग, जेलियांग। ये जनजाति आपकी पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? नागालैंड के अंदर। आज नोट कर लो, आज याद कर लो, बाकी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, जनजातियों की बात करी, अब हल्के सी बात करते हैं, वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क की बात करूं। इसके अंदर दो तीन नेशनल पार्क आपके हैं, जो कि नटकी है, नटकी या नटकी भाई, ठीक है, नेशनल पार्क नंबर वन। नंबर दो आपका इंतकी, इंतकी एनपी भाई आप कह सकते हो। पालू एबदेज, पुली सॉरी पुली एबदेज, ये आपके क्या हैं? नेशनल पार्क हैं। यहां पर हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? ई गवर्नर राष्ट्रीय पार्क पुरस्कार की बात करी थी। क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था? दो तीन बार रिपीटेशन हो चुके हैं, उसी के साथ हमने बात करी किसकी? नागालैंड की बात करी। नागालैंड आपका उत्तर पूर्वी राज्य है भारत का, स्थापना 63। क्वेश्चन ये था राज्य का दर्जा इसे कब दिया गया, ये कौन सा राज्य बना। उसके बाद बात करें भाषा की इसकी, तो भाषा भाई इसकी अंग्रेजी है, ये भी आप लोगों को पता है। विधानमंडल की बात करी, विधानमंडल एक सदनीय है, सीटें 60 है, राज्यसभा की एक है, लोकसभा की एक है, और बहुत कम जनसंख्या वाले स्टेटों में इसकी गिनती होती है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हमने जनजातियों की बात करी, तो 16 आगामी आओ चखेका चांग दिमासा कचारी खिमियन फोनस लोथा फोम पोचूरी रेगमा संगतम सुमी इंचुगेरी कुकी और जेलियांग, ये आपकी क्या है? जनजातियां, 16 जनजातियां मुख्य रूप से यहाँ पे निवास करती हैं। अगला बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट जारी करी है अभी,
इनइक्वलिटी यानी कि असमानता भारत के अंदर, असमानता को लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई है, आंकड़े चौंकाने वाले हैं दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन आने वाला है, कौन गरीब है, कितने प्रतिशत अमीर लोग हैं, कितना पैसा है, सारी की सारी बातें इस अगली दो चार मिनट में आप लोगों के बीच में पहुंचने वाली है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए इनइक्वलिटी की बात करेंगे, असमानता रिपोर्ट जारी करी है, किसके द्वारा जारी की गई, कौन इसे जारी करता है, और इस रिपोर्ट जो इनइक्वलिटी है भारत के अंदर, भारत सबसे ज्यादा बड़ा असमानता वाले देशों में इसकी गिनती होती है, भारत के अंदर जो पैसे धन को लेकर के जो असमानता है ये क्यों है, और फिर इसे दूर कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर इस क्वेश्चन में बात होने वाली है। उसी के साथ बात करेंगे रोड के ऊपर कितने लोग मारे गए पिछले 2020 में, एक्सीडेंट कितने हुए, कितने कैसे उनसे बचा जाएगा, गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया है, कितने एयरबैग गाड़ियों के अंदर होंगे, ये सारी की सारी आपकी जो बस है इलेक्ट्रिक बस कहां पर चलाई गई है, ये सारी की सारी बातें इसी क्लास में होने वाली है। बने रहिए, जाएंगे नहीं, चाय ले लो, सर्दी लग रही है तो भाई चाय ले लेना, है ना। चलिए इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी की बात करें, किल्स रिपोर्ट किसने जारी करी है, रिपोर्ट किसने जारी करी है, क्वेश्चन आपका ये है, जारी करी है। चलिए भाई इनइक्वलिटी असमानता की बात कर रहा है यहां पर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बात की आती है किसकी असमानता, धन की असमानता की बात कर रहा है यहां पर, कि भारत के 85% से भी ज्यादा लोग जिन्होंने 2021 में 84% से ज्यादा लोगों ने 2021 के अंदर ये बोला कि हमारा जो पैसा वो घटा है, लेकिन जो बचे हुए जो लोग हैं उन्होंने बहुत बहुत मुनाफा कमाया है, और 10 लोग ऐसे लोग हैं जिनके पास आधी से भी ज्यादा जनसंख्या यानी कि 57% जो धन है देश के अंदर वो 10 लोगों के पास है। कितनी 130 करोड़ की आबादी, आबादी अगर जनसंख्या आपकी बात करें तो हो सकता है 150 करोड़ की आबादी कह सकते हो आप इसको, हो चुकी है। हाँ आबादी से ज्यादा है। इसी क्लास के अंदर एक और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, कहां पर एक बच्चा पैदा करने का नियम लागू हुआ, कहां पर फिर दो बच्चे पैदा करने का, कहां पर तीन बच्चा, और जन्म दर इतनी घट चुकी है कि बहुत बड़ा संकट, मानवता पर बहुत बड़ा संकट उस देश के अंदर आने वाला है, वो क्वेश्चन भी आप लोगों के बीच में आने वाला है। चलिए दोस्तों बने रहेंगे, बात करें इनइक्वलिटी किल्स रिपोर्ट किसने जारी करी है, तो ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्स इसका आंसर ले लेते हैं भाई, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, धन की असमानता को लेकर के, किसकी असमानता, धन की असमानता को लेकर के ये रिपोर्ट है भाई, धन की असमानता को लेकर, किसको लेकर के, धन की असमानता को लेकर के रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत में सबसे अमीर परिवार, इसके अनुसार किसकी, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे जो अमीर परिवार हैं, सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति भारत में सबसे अमीर परिवारों की जो संपत्ति है, परिवारों की संपत्ति 2021 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ी है भाई। 2021 में क्या हुआ, सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए इन्होंने, रिकॉर्ड बनाया है संपत्ति बढ़ाने में इन्होंने। भारत के जो सबसे ज्यादा अमीर परिवार है, 8-10 परिवार है, आप लोगों को भी पता है इस बारे में। चलिए देखो डाटा देखो, 84% भारतीयों ने, 84% जो भारतीय परिवार है, भारतीय परिवारों में, परिवारों ने कोविड-19 के चलते क्या कहा है, आय में गिरावट दर्ज करी है भाई, किसके अनुसार, इस रिपोर्ट के इक्वलिटी के अनुसार। ओके दूसरी बात करें, देखिए अमीर जो भारत के पास है, अमीर 98 भारतीयों के पास, जो भारत के अमीर लोग हैं, अमीर कितने 98 है, अभी बढ़कर के ज्यादा हुए 142, ध्यान रखेंगे 98 जो अमीर भारतीयों के पास
इतना धन दौलत है जितना जितना किसके पास भाई, जितना 552 मिलियन लोग मरो भाई मिलियन लोगों के पास है, ये 552 मिलियन लोगों के पास जितना धन है उतना भारत के 98 लोगों के पास धन है। कितनी बड़ी धन में ऐसा मानता है बताऊंगा, ऐसा मानता क्यों है, कैसे खत्म हो सकती है अगर गवर्नमेंट इस बात को चाहे तो। 2021 में अब इनकी बढ़कर के 2021 में जो संख्या है 142, भारत में अमीरों की संख्या बढ़ गई, अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है 142, वारे अमीर देश। ओके, उसके बाद बात करते हैं भाई शीर्ष जो टॉप या शीर्ष जो 100 परिवार हैं, 100 परिवारों के पास जो संपत्ति है तो 57 पॉइंट, कुल संपत्ति का 57.3 लाख करोड़ कह सकते हो आप, इतनी संपत्ति इनके पास है भाई 57.3। आप समझ रहे हैं इस बात को कितना एरर इसके अंदर है। देखिए भाई और नीचे की आबादी, और इसमें जो नीचे की जो आबादी है वो 13% हिस्सेदार है। कितनी 13% नीचे की आबादी इसके अंदर है हिस्सेदार है। और इस असमानता का जो सबसे बड़ा जो कारण है वो है समान टैक्स। बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं उन पर भी वही टैक्स लागू है। अगर फॉर एग्जाम्पल लास्ट 30% टैक्स की बात करती है गवर्नमेंट, तो चाहे वो 1 करोड़ कमा रहा है चाहे वो 1000 करोड़ कमा रहा है, वो 30% ही है। यहां पर इस वजह से एक व्यक्ति जो सिर्फ अपना काम चला रहा है उस पर भी उतना ही टैक्स है, और एक व्यक्ति जिसके पास पैसे खर्च करने की जगह नहीं है उसके पास भी इतना ही टैक्स है। इस असमान ये जो टैक्स की जो समानता है, इस वजह से ये ऐसा मानता जो धन दौलत वाले लोग हैं वो ज्यादा धनी होते जा रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं जो जूझ रहे हैं उस लाइन को क्रॉस करना चाह रहे हैं उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज को ऐसे अगर हो सकता है, अगर मैं मेरे विचार रखूं तो ये ऐसे भी हो सकता है कि जो बहुत सारे जो एक लिमिट रखें कि भाई जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं या जिसके पास 500 करोड़ रुपए हैं तो वो लोग ज्यादा टैक्स देंगे, और उस टैक्स को जो हमारी बेसिक जो जरूरतें हैं, जैसे आपका बेसिक जरूरतों की बात करूं मैं, जैसे स्कूल कॉलेज रोड मिड डे मील जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से होती है तो उनमें लगाया जाए या उसके कुछ हिस्से में से पैसा काट करके और हम अपने जो कह सकते हैं बेल्ट फोर्सेस जो रक्षा के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो वो चीज अगर यहां पर हो जाए तो वो इक्विलिटी बढ़ने के, और वो टैक्स कहां से कम हो जाए, जो लोग झूंझ रहे हैं जो लोग प्रोग्रेसिव हैं उन लोगों पर वो टैक्स कम किया जा सकता, उतना परसेंट जो उन पर बढ़ाया जाए उतना वहां से कम करके। ये बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की सोच है, साथ में मैं ये कहूं कि मेरी खुद की भी सोच है तो आप इसको समझ सकते हैं। तो समानता, समान टैक्स के कारण, समान जो टैक्स है हर प्रकार के लोगों पर जो टैक्स समान है, इस वजह से भारत के अंदर असमानता बढ़ रही है, और इस असमानता को सिर्फ इसी तरीके से कम किया जा सकता है। लेकिन मे भी शायद ये चीज ग्राउंड पर पॉसिबल नहीं होने वाली है, कोई बात नहीं भाई। चलिए अब बात करेंगे हम, बड़ा शानदार क्वेश्चन अगला, इसी क्वेश्चन को मैं इस पर रफ कर रहा हूं। हमने पढ़ा इक्वलिटी की बात, रिपोर्ट आपकी एक्सफेम इंडिया के द्वारा जारी की गई, धन की असमानता को लेकर के बात करता, 98 भारतीय थे और 2021 में बढ़कर के अरबपति बन गए कितने, 142, और इनके पास 57.3 लाख करोड़ रुपए इन्हीं के पास, मतलब कुछ आंकड़ा है भाई ये इन्हीं के पास है इतना, और इसमें 13% भागीदारी इसकी है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए भाई रफ कर रहा हूं, जिसकी समझ में आ गया तो भी अच्छा है, नहीं आया तो उसको दोबारा कोशिश करें भाई, नहीं आया तो उसे दोबारा कोशिश करें। करत करत अभ्यास के जगमत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो अगर आप लोगों के एक बार में समझ में नहीं आती है बात तो दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, उसको इतनी बार देखें कि बाद में आपसे ज्यादा आसान हो किसी को लगे ही ना। चलिए भाई बात करेंगे अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में देश में किस स्टेट में पहली इलेक्ट्रिक बस चलाई है, बड़ा शानदार भाई, और वो आप समझ सकते हैं स्टेट पब्लिक यूटी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो किसके द्वारा इलेक्ट्रिक बस, जो भी चर्चा में रहा है किसके द्वारा इलेक्ट्रिक बस चलाई गई है, हरी झंडी दिखाई है सीएम साहब ने। तो यहां पर बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, प्रदूषण से बचाने के लिए ये किया गया है भाई, ठीक है। चलिए बात करें इलेक्ट्रिक बस की, यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बस DTC द्वारा, किसके द्वारा,
डीटीसी द्वारा, कह सकते हो डीटीसी द्वारा दिल्ली में, डीटीसी द्वारा दिल्ली में, कहां पर भाई, दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस आरंभ की गई, पहली इलेक्ट्रिक बस कब आरंभ की गई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन क्वेश्चन है दोस्ती है। देखिए किसके द्वारा, डीटीसी द्वारा, सीएम है कौन, केजरीवाल साहब, कौन है सीएम साहब जो केजरीवाल साहब, इन्होंने कब करी है भाई, 17 जनवरी को, कब 17 जनवरी को इन्होंने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई, किसको भाई, इलेक्ट्रिक बस को क्या दिखाई, पहली इलेक्ट्रिक बस को 17 जनवरी को, पहली बस आपकी, पहली बस इलेक्ट्रिक को हरी झंडी दिखाई किसके द्वारा, ये भी पूछ सकता है, तो किसके द्वारा, ये भी आप लोगों को, ई बस की जो बात करें 27 किलोमीटर रूट पर चलने वाली है, ये थोड़ा सा ले लेते हैं भाई, 27 किलोमीटर रूट पर आपकी ई बस चलेगी दिल्ली के अंदर। साथ ही बात करें इसका निर्माण कौन कर रहा है, ई बसों का निर्माण, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो जेबीएम ऑटो लिमिटेड द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेबीएम ऑटो लिमिटेड, ऑटो लिमिटेड द्वारा निर्माण किया जा रहा है भाई, निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है, जेबीएम ऑटो लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ये लो फ्लोर किस प्रकार की बसें, आपकी लो फ्लोर बसें हैं, फ्लोर बसें हैं, साथ में बात करूं तो फुल्ली एसी बसें हैं आपकी, वातानुकूलित एसी बसें हैं भैया आपकी, कैसी बसें हैं, फुल्ली एसी बसें हैं, फैन के तहत इन्हें अधिकृत किया गया है, किसके तहत, अधिकृत, अधिकृत की बात कर रहा है, अधिग्रहित किसके तहत, फैम टू, एफ ए एम ई टू के तहत इन्हें अधिकृत किया गया है, फैम तो हो जाएगा फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाय हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, क्या हो जाएगा, ऑफ एंड व्हीकल इन इंडिया, आधा इंग्लिश में लिख दिया, आधा ये आपका है पूरी इंग्लिश, लेकिन आधा देवनागरी लिपि में लिख दिया भाई, ठीक है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया के द्वारा इसे क्या किया गया, अधिकृत किया गया, क्या किया गया है, अधिकृत किया गया। अब थोड़ा सा ले लेते हैं इसके बारे में, लक्ष्य क्या रखा गया है, लक्ष्य की बात करें तो फेब 2022 में, फेब 2022 तक 50 ई बसें चलाने का, और हर महीने मंथ, प्रत्येक मंथ कितनी बसें ऐड करी जाएंगी, इलेक्ट्रिक 50 आपकी इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का भी लक्ष्य भी, फरवरी 2022 में 50 इलेक्ट्रिक बसें, उसके बाद क्या है, हर मंथ में क्या रहेंगे आपकी 50 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने का यहां पर लक्ष्य रहेगा। क्या है, दिल्ली सरकार कितनी बसें लॉन्च कर रही है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो यह है 2300 बसें लॉन्च कर रही है, इलेक्ट्रिक बसों की बात कर रहा हूं भाई मैं यहां पर, खाली इलेक्ट्रिक बसें कितनी लॉन्च कर रही है, तो 2300 बसें लॉन्च कर रही है, डीटीसी द्वारा की जाएंगी कितनी, 1300 की जो खरीद है, 1300 खरीद कौन करेगा, खरीद डीटीसी करेगी, डीटीसी, उसके बाद जो 1000 बसें हैं आपकी इन्हें किसके तहत खरीदा जाएगा, क्लस्टर योजनाओं के तहत खरीदा जाएगा, किसके तहत भाई, क्लस्टर योजना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो डीटीसी और क्लस्टर योजनाएं मिलकर के दिल्ली के अंदर कितनी बसें लेकर के आएंगे, 2300 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, बहुत सारा बर्डन कम होगा, चार्जिंग स्टेशन डिपो लगाए जाएंगे इनको चार्ज करने के लिए, चार्जिंग स्टेशन डिपो या हाइब्रिड स्टेशन, जहां पर क्या होगा आपका कह सकते हो आप, आपकी सीएनजी प्लस चार्जिंग, सीएनजी प्लस चार्जिंग स्टेशन दोनों के दोनों होंगे, हाइब्रिड डिपो स्टेशन यहां पर क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। वर्तमान में दिल्ली के अंदर जो बसों की अगर बात करें तो 6793 जो बस है वो क्या है, दिल्ली के अंदर बसें हैं, जिसमें से
कितनी 3760 दिल्ली परिवहन निगम की है भाई, 3760, और आपकी 3033 DIMTS द्वारा, DIMTS द्वारा संचालित है, संचालित कितने किसके द्वारा, तो 3033 DIMTS द्वारा संचालित बसें हैं। यहां पर हमने बात करी कौन सा, तो सीएम केजरीवाल ने 17 जनवरी को पहली बार इलेक्ट्रिक बस की हरी झंडी दिखा करके सॉरी भाई 17 किलोमीटर का बस ये रूट करेंगे, जेबीएम ऑटो इसको बना रहा है, लो फ्लोर बसें हैं आपकी, साथ ही हम बात करें फुली एसी बसें हैं, इसमें से 2300 बसों के आसपास का लक्ष्य रखा गया है। 2300 बसों में मैं बात करूं तो 1000 बसें हैं आपकी कौन डीटीसी खरीद रहा है, और उसके बाद 1300 जो बसें हैं वो क्लस्टर योजनाओं के तहत खरीदी जाएंगी। लक्ष्य की बात करें तो फरवरी 2022 में 50 बसें रोड के ऊपर होंगी, 50 बसें, और हर महीने 50 बसें ऐड करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 7000 कितनी आपकी 6793 बसें चल रही हैं, जिसके अंदर 3760 ये नॉर्मल बसों की बात कर रहा हूं मैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। फैम अधिकृत फैम के द्वारा किया गया है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया के द्वारा अधिकृत किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही हम बात करें हाइब्रिड चार्जिंग स्टेशन प्लस में सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जाएगी, 27 किलोमीटर ये बसें क्या करेंगी, रूट चार्ज करने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंची है, ध्यान रखिए भाई। चलिए भाई अब तक आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए हम रोते रहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमारी जनसंख्या बढ़ गई, जन्म दर बढ़ी हुई है, फलाना ढिकाना। अब देखो एक जो विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ा देश, जन्म दर से किससे लगाओ दिमाग, जन्म दर से झूंझ रहा है, जन्म दर सारे रिकॉर्ड तोड़ करके निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, आयु जो है वो बढ़ रही है, जो कि उस देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत खतरनाक डिसीजन, बहुत खतरनाक समय लाने वाला, अगर ये जन्म दर इसी तरीके से घटती रही तो उस देश का कबाड़ा तो होगा ही होगा, और हम बड़े खुश होंगे। लेकिन हम तो बोलते ना सर्वे बंतु सुखमयाम, कैसे वसुदेव कुट क्या है वो शब्द मुझे नहीं मिल पा रहा भाई, मतलब पूरा संसार को एक परिवार की तरफ से देखते हैं, इसलिए हम इस बात को बोलेंगे नहीं, वसुदेव कुटुंबकम करके शब्द है वो, आ गया ध्यान, थोड़ा कंप्यूटर मेरा भी हैंग हो रहा है भाई, ठीक है, ठंड इतनी हो रखी है। चलिए भाई बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, देखें समझें क्वेश्चन को और आगे चल करके आप लोगों से पेपर के अंदर भी और वैसे भी कभी भी पूछा जा सकता है, हाई लेवल के ऊपर जब आप टेस्ट देंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाए। किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड, किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड क्या हुआ, रिकॉर्ड निम्न स्तर रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंची है, पहुंची है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, और जो हमारा परम मित्र देश है ये इसका आंसर रहेगा, परम मित्र दो ही हैं अपने, कमीना पाकिस्तान और कमीना चीन, तो कौन सा देश है आपका, चीन है ना, चीन। 2021 के आंकड़ों के अनुसार, क्या अगर हम यहां पर बात करेंगे तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार क्या हुआ भाई, अधिकतम आयु बढ़ने की चेतावनी दी गई है, विश्लेषकों ने क्या किया, अधिकतम आयु बढ़ने की चेतावनी दी गई यहां पर, बढ़ने की चेतावनी। देखिए भाई हर चीज में यहां पर नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, समय बहुत कम है। चलिए उसके बाद आपका समस्याएं कौन कौन सी चीन के अंदर फिलहाल, तेजी से उम्र बढ़ने वाला कार्यबल, क्या भाई तेजी से उम्र बढ़ने वाला कार्यबल भाई, ठीक है ओके, सो गए देखते देखते रिजाई के अंदर है ना, सबसे कमजोर जनसंख्या वृद्धि भाई,
जनसंख्या। आप सोच के देखो, ये देश विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, और जनसंख्या वृद्धि सबसे कम वृद्धि हो रही है, कितनी बड़ी समस्या इसके सामने आ चुकी है। बहुत बेहतरीन समस्या मैं कहूं हमारे लिए तो ठीक ही है, जितना समस्याओं से घिरा है ठीक है। साम्राज्यवादी नीति को बढ़ा रहा है, कभी किसी समुद्र के अंदर प्रशिक्षण कर रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ ऐसा ही होगा। कृत्रिम सूर्य बना रहे, अरे वाह, प्रकृति के साथ खिलवाड़, बदला लेती गिन गिन करके भाई। धीमी अर्थव्यवस्था, धीमी अर्थव्यवस्था, कैसी धीमी अर्थव्यवस्था, और साथ ही बात रही खतरनाक जनसंख्या संकट से जूझ रहा है। ये आप लोगों के बीच में तीन चार प्रकार की जो समस्याएं हैं चीन के अंदर अभी घर करे हुई हैं, और सपना देख रहा है विश्व शक्ति बनने का। अरे विश्व शक्ति बने हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी ओर से विश्व शक्ति नहीं ब्रह्मांड शक्ति बने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी कमजोर व्यक्ति के सिर पर पैर रखकर के आगे बढ़ना बहुत गलत है। ये तो अपने आसपास के कमजोर देशों को पहले हड़पने के चक्कर में है, और इनके इसके सामने अगर कोई हिमालय बनकर खड़ा है तो वो हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान है, जिसे पग पग पर शिक्षा दे रहा है। कल परसों पांच सात दिन पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल को बॉर्डर पर लगाया, तो इसका दिमाग भिन बना रहा है ये हो क्या रहा है पाकिस्तान, और ये रो रहे हैं उस बात को लेकर के भी। चलिए भाई, जन्म दर की बात करूं 2021 में घट करके कितनी हुई है इसकी, जो घट करके बात करें, घट करके 1000 लोगों पर 7.52 जन्म हो गया भाई, जन्म 7.52 बहुत कम है भाई देखिए। और ये जो 7. इतनी जो जन्म दर कम घटी है, ये 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब आ जाओ, आपसे यहां भी पूछा एक बच्चे की नीति किस देश के द्वारा लागू की गई थी, यानी कि जब जनसंख्या बढ़ रही थी। अरे ऐसा विस्फोट तो भारत के अंदर भी हुआ था, लेकिन भारत ने ये नहीं किया। तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोट कब हुआ, 1976 में हुआ। पूछ लेगा कोई आपसे कि जनसंख्या विस्फोट के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, लेकिन हमने इस टाइप के एक बच्चे दो बच्चे तीन बच्चे की नीति नहीं करी, और ये चीन था जिसने एक बच्चे की नीति को लागू किया, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात ये है, इसने जो एक बच्चे की नीति कब से कब तक रही इसकी, तो देखिए ये जो है आपकी 1980 से, पहले तो ये लिखेंगे 1980 से लेकर के आपका 2016 तक एक बच्चे की नीति, लागू रही, यानी कि जो मैरिड लोग हैं वो केवल एक ही बच्चा पैदा करेंगे भाई, ठीक है। 1980 से लेकर के 2016 तक, जब इन्हें लगा कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि हमारी जो कम हो रही है, इन्होंने 2016 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में मैं बात करूं 31 दिसंबर 2015 में, 27 दिसंबर 2015 को इन्होंने प्रस्ताव पास किया, और उसमें दो बच्चों का कानून जो प्रस्ताव था, दो बच्चों का प्रस्ताव लाया गया, लिया लागू किया गया। अब जो है लोग दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखिए चाइना ने क्या कहा 1980 में, क्या किया इसने 1980 में, एक बच्चे की नीति यहां पर बनाई कि केवल जो आपके पेरेंट्स है वो एक ही बच्चा पैदा करेंगे, दूसरा बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और दुनिया में सबसे हार्ड परिवार नियोजनों में सबसे हार्ड कानून की बात करूं तो उनमें इसकी गिनती होती है भाई, ठीक है। 2016 में 27 दिसंबर को एक प्रस्ताव लाए, जब इन्होंने समस्या लगी कि उम्र बढ़ रही है और बच्चों की जन्मदर कम है, 27 दिसंबर 2015 को एक कानून आया जिसमें दो बच्चों की बात कही कि चाइना के अंदर जो दंपति है वो दो बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि पहला बच्चा कब से कब तक नीति रही 1980 से 16 तक, दो बच्चों की नीति कब से कब तक रही, दोस्तों ध्यान से रखेंगे सुनेंगे, 2016 से और 2021 तक, 2016 से 2021 तक प्रभावी रहा दो बच्चों का कानून कब से कब तक रहा कानून, तो ये आपका 2016 से 2021 तक। देखिए अगर ये पूछे कि प्रस्ताव कब लाया गया था दो बच्चों का, तो 27 दिसंबर 2015 को कानून बनाया गया था और ये तो 16 तक ये लागू हो गया, उसके बाद 16 से 21 तक दो बच्चों का कानून रहा, और अब हाथ खड़े कर दिए हैं
बोला भाई तुम जितने मर्जी चाहो पैदा कर लो, तीन बच्चों का कानून आ गया। कहने को तो तीन बच्चों का कानून, यानी कि अब जो दंपति हैं कितने बच्चे, तीन बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये कानून कब लागू किया गया है, तो 31 मई। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, तीन बच्चों का कानून चीन में कब लागू किया गया है, तो ये 31 मई 2021 को, 31 मई 2021 को तीन बच्चों का कानून लागू किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, जब भी हाई लेवल के ऊपर अगर जनसंख्या पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ना भी एक समस्या में आ रहा है, तो इसलिए इसको भी देखेंगे, और घटना भी एक समस्या है आपके सामने, पॉपुलेशन का ना बढ़ना भी एक समस्या है, पॉपुलेशन का बढ़ना भी एक समस्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, संतुलन बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोगों के बीच में है, जिस देश की कभी जनसंख्या सबसे ज्यादा होती थी वर्ल्ड में, इस जनसंख्या की हुंकार बढ़ता था, आज वो उस गर्त में जा रहा है कि एक आने वाले समय में घुटने टिक जाएंगे इसके। ठीक है भाई, ओके। 2020 में जो बात रही है, 2020 में जो जनसंख्या, जन्मों की जो संख्या थी, 12 मिलियन भाई, 12 मिलियन, इतने बड़े देश में ये हाल, 12 मिलियन, और जो कि 1960 के बाद सबसे कम रही, के बाद सबसे कम रही। गए छाऊ, अब तो गए। चलिए भाई, हमने यहां पर बात करी थी जनसंख्या की, बात करी थी, अब बात करेंगे भारत सरकार ने एक्सीडेंटों में होने वाली मौतों से बचाने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है, और किस प्रकार से भारत के अंदर जो एक्सीडेंट से मौत हो रही है उनको किस प्रकार से रोका जा रहा है। जय हो सरकार, है ना, जय हो। चलिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, पढ़ते रहिए भाई, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, चलते जाइए, रिजाई के अंदर बैठे बैठे चाय के साथ, चुस्की एक हाथ में, पेन एक हाथ में, आपका चाय का कप होगा मेरे ख्याल में, है ना। कुछ लोग तो लेट करके मस्ती के साथ रिजाई के अंदर देख रहे हैं, भाई कमर सीधी करो, नोट्स बनाओ काम आएंगे, नोट्स बनाओ काम आएंगे। अगर ये बोला कि कल बनाएंगे तो कल दूसरी क्लास आ जाएगी उसके, बना लेना भाई। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा भवरी करेगा कब। दोस्तों यहां पर एक मैं बहुत शानदार बात बताऊंगा आप लोगों को, आप समझना। एक बार एक दो मिनट की एक छोटी सी एक मिनट की मेरे को एक कहानी याद आ रही है ना इस कल के ऊपर। चलिए बताता हूं मैं, कल के ऊपर एक कहानी याद आ गई है, कहानी सुनने के लिए अपने कान खोल लेना, और हर जगह पर ये कहानी लागू होती है जहां लगती है। एक बार क्या हुआ, महाभारत, महाभारत में भीम अर्जुन युधिष्ठर सब बैठे थे भाई। अब जब युधिष्ठर साहब बैठे थे तो वहां कोई हेल्प मांगने के लिए आ गया कि भगवान मेरी मदद करो, मैं गरीब इंसान हूं, मेरी मदद करो, मेरे साथ वो कोई अत्याचार कर रहा है, कुछ इस टाइप की मदद मांगी। जब इस टाइप की मदद मांगी तो युधिष्ठर ने बोला ठीक है मैं कल करूंगा, मैं आपकी मदद कल करूंगा। और जब ये बात हुई तो भीम साहब जोर जोर से हा 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 करके हंसना शुरू कर दिया। हंसना तो इंसानों के नसीब में फेमस है, आप लोगों को पता है। अरे अगर कोई हंसने वाला इंसान अगर उदास रहने लगे तो आप समझ गए, क्योंकि जानवर तो हंस नहीं सकते, है ना, रेयर के ऐसा कोई एकदम हंस रहा हो तो। गधा बेचारा हमेशा उदास रहता है, अब कोई हंसने वाला इंसान अगर उदास रहने लगे तो ये वो बनने की कोशिश कर रहा, समझ लेना। अगर कोई जानवर हंसने की कोशिश कर रहा तो समझ लेना वो इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन गैर टाइम हंसी भी ठीक नहीं है, अब वो गैर टाइम हंसा भीम तो युधिष्ठिर ने बोला भाई तू क्यों हंस रहा है, तो बोले महाराज आज मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी मैं इसलिए हंस रहा हूं। बोले ज्ञान की, बोले कौन सी ज्ञान की भाई, बोलो मुझे आज ये पता लग गया कि जो मेरे बड़े भ्राता हैं उन्होंने मृत्यु को जीत लिया। बोले क्या मतलब, बोले मतलब ये महाराज कि आपने उसको बोला कि मैं कल मदद करूंगा, इसका मतलब यह कि कल आप हर हालत में देखेंगे, कल आप हर हालत में देखेंगे, तो इसका मतलब यह हो गया अगर मृत्यु भी आई तो भी आप उसको विजित करके कल आप हर हालत में मृत्यु को देखेंगे। बात बहुत गहरी है, जहां लगे वहां लगा लेना भाई, ठीक है। चलिए, भारत में गाड़ियों में अनिवार्य रूप से कितने एयरबैग दिए जाएंगे भारत में। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, भारत में गाड़ियों में, गाड़ियों में, भारत में गाड़ियों में अनिवार्य रूप से, अनिवार्य रूप से
कितने एयरबैग दिए जाएंगे, कितने एयर बैग दिए जाएंगे, उड़ गए रे पंछी, बैग दिए जाएंगे, गया भाई गया, उड़ गया पंछी, उड़ गया रे, है ना, क्वेश्चन आ गया रे, क्वेश्चन आ गया रे, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए भाई, कितने एयरबैग कंपल्सरी कर दिए भारत ने, देखिए तुम्हारा कितना ख्याल रखा जा रहा है, कंपनियों को बताया गया कि 6 बैग से नीचे कोई गाड़ी नहीं बनाएगा, 6 एयरबैग, एयरबैग 6 एयरबैग कंपल्सरी होंगे अब गाड़ियों के अंदर, ध्यान रखेंगे, अनिवार्य करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब यहां पर बात आती है 6 एयरबैग, एयरबैग क्या करता है, एयरबैग जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसमें एक कुशन निकलता है आपका, एक तकिया होता है फाइबर का बना हुआ आपका, एक गुब्बारा सा होता है, और वो बंदे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, झटके से बचाता है, एक्सीडेंट में मौत होने से बचाता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो भारत के रोड मंत्री है, सड़क परिवहन मंत्री कौन है, अरे सड़क पर गाड़ी चलती गड़गड़ गड़गड़ करते हुए तो नितिन गडकरी साहब ने, किसने, नितिन गडकरी साहब ने इस पर काम करना प्रारंभ कर दिया कि 6 एयरबैग ही होंगे गाड़ी के अंदर, अदरवाइज भारत के अंदर गाड़ी नहीं लॉन्च की जाएगी। अब ध्यान रखें, देखिए भाई 1 अक्टूबर 2021 से 6 यहां पर बात हो रही है, 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट बेल्ट के लिए, देखिए 1 जुलाई और एक थोड़ा सा डाटा दे देता हूं, 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट बेल्ट पर, 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट बेल्ट पर, चालक की सीट के, माफी चाहूंगा भाई, चालक की सीट पर एयर बैग अनिवार्य किया गया था, एयर बैग लागू किया गया था, कंपलसरी लागू किया गया। उसके बाद भाई ये नियम लागू किया गया, साथ ही बात करें सहयात्री के लिए 1 जनवरी 2022 से, कब भाई 1 जनवरी 2022 से सहयात्री के लिए, यानी कि जो साथ में जो बंदा बैठा है ड्राइवर के बराबर वाला, सहयात्री के लिए एयरबैग क्या किया गया, एयरबैग का नियम लागू किया गया, अब गाड़ी में 2 एयरबैग कंपलसरी कर दिए, कब 1 जनवरी 2022 से, 1 अक्टूबर 2022 ये मरा 6 एयरबैग लागू रहेंगे आपके, कब से भाई 1 अक्टूबर 2021 से 6 एयरबैग बनाने ही पड़ेंगे कंपनी को, कितने एयरबैग बनाने पड़ेंगे 1 अक्टूबर 2022 से नियम लागू हुआ। देखिए यहां पर हमने बात करी भारत में गाड़ियों के अनिवार्य रूप से एयरबैग लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को सुरक्षित एयरबैग, आप लोग समझ रहे हैं, एयरबैग जब गाड़ी में झटका लगता है तो ऑटो सिस्टम से, स्टेयरिंग से, आसपास के साइड से आप लोगों बंदे को कवर कर लिया जाता है एयरबैगों के द्वारा, उसमें आप देसी भाषा में मैं बात करूं तो गुब्बारे टाइप में या कुशन टाइप, तकिए टाइप में आपको नरम और मुलायम जो एयर होती है उस जो उसके अंदर जो बैग होते हैं वो आपको झटके से और आपको हर चीज से, जैसे आपका डैशबोर्ड है, शीशा है, आपके साथ में जो बॉडी है उससे टकराने से आपको बचाता है और आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, वो होता है आपका गाड़ी के अंदर क्या, एयरबैग। और एक सिस्टम सेट कर दिया जाता है, एक सेंसर लगा दिया जाता है कि इतनी पावर का झटका लगने पर ही एयरबैग खुलेगा, उड़ा पंछी भाई, है ना। तो 6 एयरबैग कब से होंगे आपके, 1 अक्टूबर 2022 से, 1 जुलाई 2019 से चालक सीट के लिए, भाई चालक सीट के लिए एयरबैग का नियम कंपलसरी किया था, ये पूछेगा चालक सीट के लिए नियम कब बनाया, तो आइए आपका 1 जुलाई 2019 को, सहयात्री के लिए नियम कब बनाया गया, 1 जनवरी 2022 और 1 अक्टूबर 2022 के लिए काम करना शुरू कर दिया और हमारा सिक्सर कि गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग होंगे ही होंगे। इस प्रकार से एयरबैग आगे और पीछे टकराव को कम करने के लिए उद्देश्य है, मैंने आपको समझा भी दिया, लिख भी सकते नोट, आगे पीछे टफ चीजों से टकराव से बचाने के लिए इनका इस्तेमाल गाड़ी के अंदर किया जाता है या सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए एयरबैगों का गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, साथ ही बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, M1 श्रेणी की जो गाड़ी है इनमें 4 अलग से अतिरिक्त एयरबैग होंगे। अब समस्या आ गई भाई, M1 श्रेणी की कौन सी रहेंगी भाई,
एमएम श्रेणी की गाड़ियां कौन सी रहेंगी, एमएम श्रेणी में कौन सी गाड़ी आएगी आपकी, जो ड्राइवर सीट को छोड़ करके, ड्राइवर सीट को छोड़ करके किसको भाई, ड्राइवर सीट को छोड़ करके आठ जो सीटों वाली यात्री गाड़ी होगी, आठ सीटों वाली यात्री गाड़ी आपकी किसमें होगी, आठ सीटों वाली यात्री गाड़ी किसमें होगी आपकी, M1 श्रेणी के अंदर इसको काउंट किया जाएगा। कौन सी श्रेणी के अंदर काउंट किया जाएगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। M1 श्रेणी में कौन सी गाड़ी होगी, ड्राइवर सीट को छोड़ के, यानी कि 8+1+8 कह देते हैं ना देसी भाषा में, 9 सीट वाली गाड़ी। तो 9 सीट वाली गाड़ी में भाई ये आपका 4 अतिरिक्त बैग होंगे भाई, ठीक है, ओके। उसी के बात करें भाई, देखिए एयरबैग आपका अधिभोगी संयम प्रणाली के आधार पर काम करता है। एयरबैग की अगर हम बात करते हैं तो कैसा आपका अधिभोगी संयम प्रणाली, समझ में नहीं आया होगा अधिभोगी संयम प्रणाली क्या है, तुम क्यों अंग्रेज हो, ऑक्यूपेशन रिस्ट्रेंट सिस्टम, ऑक्यूपेंट OWCUPANT, अंग्रेज चले गए, ये छोड़ गए हमारे लिए ना, रिस्ट्रेंट सिस्टम SYSTEM, वैसे भी मेरा तो हाथ कमजोर है इसमें आपको पता ही है, ऑक्यूपेशन रिस्ट्रेंट सिस्टम, क्योंकि मैं केवल और केवल मातृभाषा से प्रेम करता हूं, ध्यान रखना भाई, बट समझने के लिए थोड़ा सा तो करना ही पड़ता भाई, है ना। तो इस सिस्टम के ऊपर आपका ये काम करता है, जल्दी खुलकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये भी आप लोग समझ रहे हैं, इसमें साथ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इंजीनियर नहीं बनाऊंगा तुम्हारे को एयरबैग का, बट इतना आप लोग समझ रहे हैं एयरबैग है क्या। क्वेश्चन आपका 6 का कब नियम है, 1 का कब नियम है, सहयात्री का कब नियम था, M1 कब था, कौन था, आपको मंत्रालय का आपको पता लग गया, ये सारी चीजें आप लोगों को पता लग गई भाई। अब आ जाओ सड़क दुर्घटनाओं के बारे में एक बार बात करूं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बड़े शानदार क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसके साथ बड़े शानदार क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए भाई, तो सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के एक छोटा सा डाटा आप लोगों को दे देता हूं, और मुझे लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने वाला है, क्लास शायद आपकी इस क्वेश्चन के बाद मुझे इमरजेंसी हालत के चलते बंद करनी पड़े, माफी चाहूंगा। आज का जो बचा हुआ जो कंटेंट है वो आपको कल डिलीवर कर दिया जाएगा, बट ये 2 मिनट का कंटेंट है, ये आपको लोगों को एक बार जरूर दिया जाएगा। देखिए सड़क दुर्घटनाओं में कैसे कैसे लोग मरते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। देखिए हम यहाँ पर बात करें, परिवहन मंत्रालय गडकरी के अनुसार 2020 में सड़क दुर्घटनाएं कितनी हुई है, सड़क दुर्घटना की बात करें तो देखिए 23483 2020 में, ये हमारे ड्राइवर भाई साहब जो पायलट भाई साहब हैं, पायलटों ने 23483 पैदल चलने वाले यात्रियों को मार दिया। कितने तगड़े ड्राइवर हैं, कहां गए वो लोग जो जिन्होंने इनको लाइसेंस पैदा करके दिया था, है ना, सब बाबा का आशीर्वाद। 23483, और साथ ही बात करें एनसीआरबी के अनुसार 2020 के अंदर जो मेरे ड्राइवर भाई हैं, 17538 जो ड्राइवर भाई साहब हैं, या जो कह सकते हैं उनके साथ बैठे थे कार सवारियों की मृत्यु हुई, वो दूसरे परलोक में सिधार गए। अब ये गलती किसकी होती है, ये ड्राइवर भाई करते हैं, 1 सेकंड थोड़ा फास्ट हो जाएं, थोड़ा सा और तेज चल जाएं, है ना, तो ये तेजी लेके बैठती है, स्लो चलो, तसल्ली से चलो। देखिए आंकड़ा कितना बड़ा आंकड़ा, 2020 में 23483 पैदल चलने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा करके उनकी डेथ हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 17538 जो कार सवार व्यक्ति थे उनकी यहां पर डेथ हुई है, ठीक है। चलिए भाई आज की जो क्लास है आपकी मुझे रोकनी पड़ेगी, यहां पर कुछ टेक्निकल इशू है, मैं माफी चाहूंगा, बट जो भी आज क्वेश्चन आपके रहे हैं वो मैं कल करवा दूंगा। देखिए बहुत बेहतरीन से आज के आपके क्वेश्चन थे, हमने पढ़ा ज्वालामुखी, एक आपका क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन यहां पे बाकी है, अब क्या करूं, कुछ टेक्निकल्स फिर बोल रहा हूं, टेक्निकल्स इशू के चलते मुझे ये रोकनी पड़ेगी क्लास। आप पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।